वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र योगी एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सा चैनल आर ई फिजिक्स। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में। ट्वेल्थ फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, स्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये है कि जो इलेक्ट्रिक्स है यानी विद्युत की, ये ट्वेल्थ फिजिक्स का सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है, कवर करके चलती है। और इसकी यहाँ पे दो ब्रांच दी हुई है, एक है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रो स्टैटिक, दूसरी जो है वो है गतिक वैद्युत की, गतिक वैद्युत की, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनामिक्स, स्थिर विद्युत की और गतिक विद्युत की, दोनों में कोई ज्यादा बड़ा, कोई ऐसी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। जो मेन जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है, मेन अंतर जो है वो ये है कि यहाँ पे स्टैटिक्स और यहाँ पे डायनेमिक्स, मतलब कोई चीज है इन दोनों के अंदर कॉमन, वो क्या कर रही है, स्थिर विद्युत की इसमें क्या है, रेस्ट पोजिशन में है वो चीज, और गतिक विद्युत की इसमें क्या है, वो चीज गति कर रही है, और जो चीज गति करती है या रेस्ट पोजिशन में रहती है वो होता है चार्ज, चार्ज यानी आवेश। स्थिर वैद्युत की में हमारा जो आवेश है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है यानी कि गति नहीं करता है, विराम अवस्था में रहता है, और गतिक वैद्युत की में या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो चार्ज जो है, आवेश हमारा जो है वो मोशन में रहता है, मीन्स गति करता है। तो देखो, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज समझनी होगी वो होता है चार्ज। चूंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम केवल स्थिर आवेश यानी स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ये होगा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, आवेश होता क्या है। आवेश को समझने के लिए पहले हम एक चीज देखते हैं कि किसी भी मेटल की या किसी भी धातु की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की जब हम बात करते हैं तो वो उसके अंदर दो चीजें होती है मेन, एक होता है प्रोटोन जिसपे की प्लस चार्ज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहली कक्षाओं में। दूसरी चीज होती है उसपे इलेक्ट्रॉन जिसपे की नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में ये दोनों की संख्या, नंबर इन दोनों का समान होता है, सेम होता है, तो उस कंडीशन में वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो जो वस्तु है हमारी, वो न्यूट्रल अवस्था में होती है। न्यूट्रल मीन्स अनावेशित, क्या होती है, अनावेशित होती है, उस पे कोई आवेश नहीं होता। तो चार्ज कब होगी, बोलो सर, इस अवस्था में जब दोनों बराबर हैं तो वस्तु पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब दोनों में कुछ अंतर आ जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। मतलब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी इस अवस्था में वस्तु हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा चार्ज, जिसको हम बोलेंगे आवेशित, क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। कब हुआ आवेशित, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आया, मींस प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज भी आप लोगों को पता होगी, आपने पढ़ा होगा। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंस आ जाता है तो वस्तु हो जाती है चार्ज, और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, वो रहती है न्यूट्रल यानी अनावेशित रहती है। ठीक है, यहां से हमको एक चीज पता चल रही है कि चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक गंदा वाला जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव, एक सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छा वाला जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो वस्तु या ऑब्जेक्ट हमारा जो है पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी, मींस प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इस कंडीशन में क्या होगी? वस्तु पॉजिटिवली चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन प्रोटॉन होगा तो इस कंडीशन में क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। मींस मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। अब इस वस्तु में जितने प्लस चार्ज है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। ये प्लस इस माइनस को मार देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो अब ये वस्तु हमारी, ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इस कंडीशन में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम आपको बोल दें कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर्स जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, उसमें डिफरेंस आ गया। मान लो इसमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन्स हैं, तो ये वस्तु क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी मान लो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 3 होते, अब इस कंडीशन में क्या? तो इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 प्रोटॉन को मार देंगे, तो 1 प्रोटॉन से क्या हो जाएगी? ये चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि चार्ज क्या होता है। क्या होता है चार्ज, एक बार और देख लेते थोड़ा सा, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में जो डिफरेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वही उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? चार्ज होता है। क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे हम? उसमें चार्ज बोलेंगे। ठीक है, चार्ज टू टाइप का होता है सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो अब मान लिया हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये न्यूट्रल कंडीशन में है, तो न्यूट्रल को भी हम चार्ज करेंगे कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ टेक्निक काम में लेंगे। उसके लिए हम क्या टेक्निक्स काम में लेते हैं? कुछ चार्जिंग टेक्निक्स हमारे यहाँ पे दी हुई है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखते हैं चार्जिंग टेक्निक्स के बारे में। चार्जिंग टेक्निक्स हमको यहाँ पे 3 प्रकार की चार्जिंग टेक्निक्स दी हुई है। जिनके थ्रू हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूँ। पहली जो चार्जिंग टेक्निक है उसमें हम काम में लेते हैं फ्रिक्शन, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या घर्षण के द्वारा आवेश। किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, उसके लिए कोई टेक्निक काम में ले रहे हैं। जैसे मान लो हम हमारा सेलफोन काम चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई टेक्निक काम में ले रहे हैं। क्या टेक्निक काम में ले रहे हैं सर? चार्जर लेके आएंगे, चार्जर को स्विच बोर्ड में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, फिर चार्जर फोन को पिन को चार्ज को प्लग इन करेंगे, फिर फोन चार्ज होगा। पॉकेट में रखा रखा तो होगा नहीं, तो वो भी टेक्निक है। कई बार ये थोड़ी है कि सर चार्ज में लगा दिया था मैंने सोचा रात को सो गया, सुबह चार्ज हो जाएगा, फुल स्विच ऑन ही नहीं किया, सुबह सर बहुत गुस्सा आया। कोई और होता तो कह देते कुछ, किसको क्या बोले, हमारी गलती, क्या करें, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे हम चार्ज करने के लिए, ऐसा कोई हमारे पास चार्जर नहीं दिया हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को लिया, बोला सर ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा चार्जर है, ये प्लग इन किया, ये चार्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास कुछ और टेक्निक है जो चार्जिंग, यहाँ पे हम क्या काम में ले रहे हैं? फ्रिक्शन काम में ले रहे हैं। बोलो सर क्या काम मिलेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोले तो घर्षण। क्या काम मिलेंगे? घर्षण। नाम से ही पता चल रहा है सर, घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब क्या काम में आ रहा है? फ्रिक्शन काम में आ रहा है। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कब काम करता है? बोलो सर जब वो दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूवमेंट में होंगे, मतलब गति करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ही फ्रिक्शन। हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन काम कर रहा है, बैठे बैठे थोड़ी फ्रिक्शन काम कर रहा है, मैं बैठा हूँ चेयर पे, बोलो तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, चलेंगे तभी तो लगेगा, मोशन में होंगे तभी तो फ्रिक्शन काम करेगा। मीन्स जब मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये दे रखा है,
ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, एक कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है। अब इनको हमको चार्ज करना है, तो इनको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको चार्ज करने के लिए हम इन दोनों को टच करेंगे। सबसे पहले टच करने के बाद दोनों को मूव करवाएंगे, मतलब जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे, जैसे मेरे हाथ हैं और दोनों हाथों को मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब कर रहा हूँ, तो रब करने के कारण कुछ ना कुछ मेरे हाथ में मेरे जो पाम्स हैं उनके अंदर हीट जनरेट हो रही है, कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है मेरी हथेलियों में। और जब मेरी हथेलियों में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उस ऊष्मा के कारण, ड्यू टू दिस हीट, जो हीट जनरेट हो रही है, इस हीट के कारण क्या होगा कि इस हाथ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाथ में आ जाएंगे या इस हाथ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाथ में आ जाएंगे। मीन्स मान लो मेरे हाथ की जगह ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रब किया, तो रब करने के पश्चात मैंने मान लिया कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। क्या आ गए भाई, इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आने के बाद मैंने दोनों को रब करना बंद कर दिया। जैसे ही मैं रब करना बंद करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये वस्तु जिसने जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दान कर दिए, दे दिए इसको, और इसने ले लिए, तो लेने वाला क्या हो गया, कर्जदार हो गया, कर्जदार हो गया इसका। मतलब ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन के द्वारा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, और रब करने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इधर उधर हो जाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ डिफरेंस आ जाता है, और वही डिफरेंस क्या होता है, चार्ज होता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। एक चीज जो है चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। देखो क्या कह रहा है, आवेश जब भी आता है क्या लेके आता है, द्रव्यमान लेके आता है। जब बच्चे थे तब ये सोचते थे कोई रिश्तेदार आया, कोई रिलेटिव आया, क्या लेके आया, खाने की चीज लेके आया, नहीं लेके आया तो गंदा है, कुछ लेके नहीं आता, आके बैठ जाते हैं ऐसे, हमको क्या मतलब, कुछ लेके आए, वो बोले फूफा जी आए, मामा जी आए, वो बोले केले लेके आए, पागो देख के खुश हो जाते थे। तो चार्ज जो है वो भी क्या लेके आता है, साथ में मास लेके आता है, द्रव्यमान लेके आता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ये नहीं होता है हमेशा, कभी ऐसा होता है कि केले जब भी आते हैं तो मामा जी आते हैं, नहीं केले तो बिना मामा जी के आ जाते हैं, लेकिन मास जो है वो हमेशा चार्ज लेके नहीं आता, लेकिन चार्ज जब भी आएगा वो मास लेके आएगा, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं आ सकता। मींस क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो भाई इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है, इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान है, और जितना इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना ही उसके साथ जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो होता है 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम, और यही प्रोटॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है चार्ज, और प्रोटॉन पे प्लस में होता है। बोला सर ये तो बच्चे वाली बातें हमको पता है, ये बता रहा हूं किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। देखो और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का
मास। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना मास भी जा रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, जो वस्तु धनावेशित हो रही है, उसके द्रव्यमान में, उसके मान में कुछ ना कुछ कमी आएगी, और जो वस्तु नेगेटिवली चार्ज हो रही है उसके मास में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो हो रही है हमारी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसका द्रव्यमान इंक्रीज हो रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उसका द्रव्यमान, उसका मास डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो एक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, चलो मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक ये है एक ए है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, मतलब दोनों का द्रव्यमान सेम है, जो हमने मान लिया क्या है m। अब मान लो जब हमने इन दोनों का एक दूसरे के फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज किया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा दिया, तो मान लो इसको हम बोलेंगे आफ्टर चार्जिंग या आवेशन के पश्चात। क्या होता है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 1500 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर आ गए, किधर आ गए, इधर आ गए 1500 इलेक्ट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान जो था या मास इसका जो था वो हो गया m1, और इसका मास हो गया m2, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई दोनों के जो फाइनल मास जो हैं m1 और m2, तो अब दोनों के मास में क्या निकालना है अपने को, डिफरेंट निकालना है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके मैं 5 तक काउंट करूंगा, तब तक आप लोग ट्राई करो, 1 2 3 4 5 हो गया, कर लिया होगा। एक पता है बहुत से बच्चे समझदार है, वीडियो पॉज ही नहीं किया, अरे सर कर रहे हैं क्या, बेजा पता है अभी देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, इसका द्रव्यमान, इसका मास हो गया m1, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा, यहां से निकालेंगे तो m माइनस 1500 me, 1500 me, me means mass of electron, इधर m2 निकाल लेते हैं इसी तरह से, m2 में 1500 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 1500 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस 1500 me, यानी कि यहां से 1500 इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो यहां पे बढ़ गया, ठीक है। हमको निकालना है डेल्टा m, तो डेल्टा m जब यहां से निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1, वैल्यू रख दो, m2 इज इक्वल टू m प्लस 1500 ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, वाहा, इधर m1 की वैल्यू रख देंगे, माइनस m प्लस 1500 me, स्वाहा, रख दिया, ये m प्लस का, ये माइनस का, ये m इस m को मार देगा, बचा क्या 3000 me, me की वैल्यू रख दो 3000 इंटू 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 27.3 × 10^-28 किलोग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा m। हो गया, नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर लो एक बार। मैं रब कर देता हूं,
देखो अब एक टेक्निक हो गई, दूसरी जो टेक्निक है या दूसरी जो विधि है उसमें हम कुछ भी नहीं करते, बोले सर फ्रिक्शन में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ी कम मेहनत वाली बताओ। चलो कम मेहनत वाली देख लेंगे, चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, संपर्क के द्वारा आवेशन। देखो नाम से ही पता चल जा रहा है हमको, चार्जिंग कर रहे हैं किसके द्वारा, कॉन्टेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, कॉन्टेक्ट के द्वारा। क्या कर रहे हैं, संपर्क करा रहे हैं किसी का, किसी चीज से संपर्क करा रहे हैं। मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि चार्ज है, ये मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो और एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस टाइम पे न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब हमको करना क्या है कि एक वायर लेना है और इस वायर को इससे कनेक्ट कर देना है, एक दूसरे का क्या करवा देना है, कॉन्टेक्ट करवा देना है, ठीक है। करवाया होगा कई बार, बिचौले बन जाते हैं, है ना, इंटरमीडिएट। देखो जहां से जब इसका कॉन्टेक्ट करवाया तो इस वायर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए। जब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सेकंड पोजीशन होगी इसकी, इसको ऐसे लिख लो चाहे यहां पे करवाने के बाद में नीचे बना लेना, ठीक है। ये भी चार्ज हो गया, जब ये चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्टेक्ट हटा देंगे यहां से और सिंपली बिना ज्यादा मेहनत किए हमारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, देखो ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वायर नहीं लगाए, डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्ट करवा दें तो भी ये इधर से इधर चले जाएंगे। अब ये कितना आवेश इधर जाएगा, कितना चार्ज जाएगा इधर, वो डिपेंड करता है इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्वालिटी पे कि ये किस मेटल का बना हुआ है। यदि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे सेम साइज या सेम मैटर के बने हुए हैं तो चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ये बात की बातें हैं आगे की, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना, केवल ये देखना है कि यहां से जब चार्ज ऑब्जेक्ट से किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो टेक्निक है जिसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसमें हम चार्जिंग करते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं करवाते, किसके द्वारा करते हैं, इंडक्शन के द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्या करवाते हैं, केवल दो चार्जेस को, सॉरी जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा डिस्चार्ज है तो उसको किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट करके, अट्रैक्ट करके, कैसे भी करके चार्ज कर देते हैं बिना एक दूसरे से टच करवाए, बिना कॉन्टेक्ट करवाए, तो वो क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे मान लो एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है जो कि अभी न्यूट्रल है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेज हैं और ये न्यूट्रल है। अभी हमने इसको चार्ज करने के लिए क्या किया कि हम एक रोड लेके आए जो कि हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, या आप नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको पता है कि सेम चार्जेज जो हैं
एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और डिफरेंट चार्जेज जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बोले तो सब प्रकृति का गुण है, ये तो नेचुरल प्रॉपर्टी है। ह्यूमंस में देख लो, एनिमल्स में देख, किसी में भी सेम सेम रिपल, डायरेक्ट डिफरेंट अट्रैक्ट करता है। मतलब हमेशा कोई भी अपने से डिफरेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेम सेम में ऑलवेज रिपल, चार्ज में भी वही सेम सेम रिपल, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, दूर भगाते हैं नहीं, और डिफरेंट अट्रैक्ट एक दूसरे को। तो जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो इस केस में क्या होगा, देखते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल होंगे और इधर की साइड आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट होंगे और इस साइड आ जाएंगे। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में हम सीधा सा क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और इसकी अर्थिंग कर देते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो है ओशियन ऑफ चार्ज, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इसको, चार्ज नहीं बोल रहे, चार्ज में दोनों आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अर्थ को। ये जो है इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, किसके पास, हमारी अर्थ के पास। तो जैसे ही इसकी अर्थिंग करेंगे तो ये अर्थ क्या करेगा, यहां से इसके पास इलेक्ट्रॉन भेज देगा, इलेक्ट्रॉन ये भेज देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुए, हमारा काम हो गया, और हम एक अगला स्टेप लेते हैं जिसमें कि इसकी अर्थिंग को हटा देते हैं और इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को भी हटा देंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो कि इससे अट्रैक्ट था, ये क्या होगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो अर्थ का एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं, अर्थिंग कंसेप्ट जो होता है मैं आपको बता देता हूं। जब हम अर्थ की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और जब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन हमको दे देगा। समुद्र से ही बारिश आती है, और समुद्र जो बरसात का पानी है वो नदियों के थ्रू, रिवर्स के थ्रू वापस उसी समुद्र में चला जाता है। वही अर्थ का कंसेप्ट है कि वो इलेक्ट्रॉन देता भी है और अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता भी है। तो इसीलिए हम अर्थ को ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज था। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी यहीं पे, मान लो इसका हम ये नहीं करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके नोट कर लेना। देखो मान लो हमने इसकी अर्थिंग नहीं की और हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेके आए इसके पास, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये मान लो नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, और यहाँ पे खूब सारा आया नेगेटिव चार्ज, तो ये कुछ ले लेगा और अपना जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर लेगा, फिर वो जो नेगेटिव चार्ज बचेगा बाद में हम इसको भी हटा देंगे और इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ टेक्निक्स हमारे पास यहाँ पे तीन ही थी, एक फ्रिक्शन के द्वारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, और संपर्क के द्वारा आवेशन। देखो चार्जिंग टेक्निक्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम चार्ज की कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, कि चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है।
सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवेश का संरक्षण, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा चार्ज जो है किसी भी आइसोलेटेड, एक कंप्लीट एक आइसोलेटेड नेटवर्क मान लेते हैं कि मान लो हम किसी को डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड बॉक्स है जिसके अंदर ना बाहर की चीजें आ सकती है ना कुछ चीजें बाहर जा सकती है, और यहाँ पे ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड जो हमारा नेटवर्क है उसका टोटल चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब ना बाहर से आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। मतलब चार्ज को हम ये भी बोल सकते हैं कि ना तो हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना तो हम चार्ज बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज जो है वो खत्म कर सकते हैं। मतलब किसी भी जो विलगित निकाय है, कोई भी एक निकाय है जो कि बंद है पूरी तरह से, उसका जो पूरा आवेश है, कुल आवेश जो है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट है, एक और ले लेते हैं छोटा सा, तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इस पे प्लस 3 कूलम का चार्ज है, इस पे माइनस 2 कूलम का चार्ज है, और इस पे 1 कूलम का चार्ज है। तो जब हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अभी मान लो हमने इसको जोर जोर से हिलाया, ये जो डब्बा था इसको पकड़ के ऐसे जोर जोर से बहुत तेज हमने हिलाया, और हिलाने के बाद वापस रख दिया, और जब वापस देखा तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा 3 कूलम वाला, इस पे चार्ज हो गया 2 कूलम, ठीक है। इस पे चार्ज हो गया माइनस ऑफ 3 कूलम, और ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा -1, इस पे आ गया, इस पे हमसे वो पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लिया हमने इस पे चार्ज x है, तो कैसे निकालेंगे? 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये होगा कि भाई नेट चार्ज जो है इसका वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका जो नेट चार्ज है, इसका जो कुल आवेश है वो क्या है, नियत ही रहेगा। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आया, नेट चार्ज कितना आया अपना प्लस 2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, प्लस 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 3। x क्या आया यहाँ से अपना, प्लस 3 आया। देखो वैसे भी हमको भाई यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ पे एक और बढ़ गया, तो यहाँ पे कितने बढ़ जाएंगे, 2। यहाँ पे एक माइनस में ज्यादा हो गया, यहाँ से पॉजिटिव एक कम हो गया, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव ज्यादा होंगे तब टोटल चार्ज। तो यहाँ से इसका पूरा चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो यहाँ भी कंजर्व्ड है और यहाँ भी कंजर्व्ड है। मतलब ये एक आइसोलेटेड बॉक्स है हमारा, जिसके अंदर ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें पहले चार्जिंग ये थी, जब इसको हमने थोड़ा हिलाया, मूवमेंट वूवमेंट कराया, जोर जोर से बजाया, उसके बाद चार्ज ये हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो कोई भी आइसोलेटेड बॉक्स है या कोई भी आइसोलेटेड नेटवर्क है, उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब किसी भी विलगित निकाय का कुल जो चार्ज है, कुल आवेश जो है, वो हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण। देखो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि आवेश जो है वो हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, एक इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक पूर्ण संख्या है जिसके गुणज के रूप में मिलेगा, मतलब कभी भी पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। जैसे कि वो कह रहा है Q = NE, क्यों क्या है यहां पे, टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, क्या है, कुल आवेश है। एन क्या है, व्हाट इज एन, इंटीजर, पूर्णांक जिसको हम बोल सकते हैं, क्या है, एक पूर्णांक है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मीन्स हमको जो पता है सबसे छोटी जो यूनिट है चार्ज की वो क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है। और जब हम किसी वस्तु को चार्ज देंगे या चार्ज लेंगे, किसी वस्तु का आवेश देंगे या उस वस्तु से आवेश लेंगे, तो किसके मल्टीपल में देंगे, किसके गुणज में देंगे, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में देंगे। ये नहीं कि किसी को हमने मान लो डेढ़ इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, आधा दे दिया, पौना दे दिया, ऐसा नहीं होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो दो देंगे, या तीन देंगे, कितने भी दे सकते हैं। एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो भी दे सकते हैं, नहीं दे हम मान लिया जीरो, जीरो से लेकर मान लो 1, 2, 3 डॉट, लेकिन एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आवेश जो है, चार्ज जो है, वो हमेशा किसके मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में ही जाएगा, या इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में ही आएगा। मतलब कभी भी हम आवेश को आधा इलेक्ट्रॉन से, या एक आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, डेढ़ दे दिया, ढाई दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल होगा वो इंटीजर ही होगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई।